Good morning, friends. Last time, I taught you a poem, A Tiger in the Jungle, composed by Leslie Norris. I hope that you have revised the poem properly at your home and have also written all the question answers in your notebook. Today, I will teach you a poem, How to Tell Wild Animals. Here, the meaning of tell is identify. How to tell means how to identify. किस तरह से हम identify कर सकते हैं wild animals, जंगली जानवरों. जंगली जानवरों को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स और जो ये पोएम है ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा कंपोज की गई है एक्चुअली इन दिस पोएम द पोएट हैज मेंशनड सम वेज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली इस पोएम में पोएट ने कुछ डिफरेंट एनिमल्स को पहचानने के अलग अलग तरीके बताए हैं लेट अस रीड द पोएम स्टैंजा वाइज ये पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड The different ways poet has mentioned in this poem. और poet ने किस तरह से उन तरीके बताए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं So stanza number one. If ever you should go by chance to jungles in the east. In these two lines, the poem has mentioned that if sometime, ever been sometime, and by chance is accidentally, संयोग से, the east is directed to the jungles forest. The poet has mentioned that if sometime you get a chance to go to the forest in the east, कभी आपको जो है east direction की तरफ जो जंगल हैं, ये उन जंगलों में जाने का मौका मिल जाए, और वहाँ पर जाकर, and if there, और यदि वहाँ पर, should to you advance, advance means to move forward, आगे की ओर बढ़ना, वहाँ पर जाकर आप क्या देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता है, क्या बढ़ता है, a large and tawny beast, large means very big, बहुत बड़ा, and tawny Tawny means brownness, yellow color. हल्का भूरे पीले रंग का beast means an animal. वहाँ पर जब आप जाते हैं पूर्व direction की तरफ जो जंगल है वहाँ पर जाकर आप देखते हैं कि वहाँ एक tawny beast है हल्के भूरे रंग पीले रंग का एक जानवर है और वो आपकी तरफ क्या करता है एडवांस करता है आगे बढ़ता है और उसके बाद if he roars, roars means to make a shrill noise. और वहाँ एक shrill noise निकालता है means कि आपकी तरफ दहाड़ता है as You are dying. और इस तरह से दहाड़ते हैं कि as you are dying means you are out of life. आप जैसे मर गए. आप इतने डर गए उसके दहाड़ से कि आपको लगा कि आप जैसे मर गए. तो आप समझ लेना. You will know means you will understand. तो आप जल्दी से समझ लेना कि वो जानवर कौन सा है जिसके दहाड़ने की वजह से आपको लगा कि आप out of life हो गए हैं आप मर गए हैं तो आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेना कि इट इज द एशियन नॉलेज कि यह अपने आप में एशियन नॉलेज है When roaming round, unopened wild beast will reach. The poet has mentioned that roaming means wandering here and there. जब आप कभी घूम रहे हो इधर उधर, कभी unopened wild beast greets. Unopened means belonging to the highest social class or you may say that well, सही प्रकार का. Wild beast है, beast means animal, एक जंगली जानवर है. Greets you. Greet means welcome करना, स्वागत करना, but here the meaning of greet is to face. सामना करना. पोएट ने दो लाइन में ये मेंशन किया है कि यदि कभी आप रोम कर रहे हो मींस वांडर कर रहे हो आप घूम रहे हो कभी और घूमते घूमते कभी एक जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए और वो भी किस तरह का जंगली जानवर है विद ब्लैक स्ट्रेप्स ऑन येलो ग्राउंड हियर मीनिंग ऑफ ग्राउंड इज स्पॉटिंग येलो मींस पीला उसका शरीर पीले रंग का है और उसके पीले रंग के शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं ब्लैक मींस काले रंग की स्ट्रिप्स मींस लाइंस हैं धारियां हैं और किस तरह का वो जानवर है जस्ट नोटिस जरा ध्यान रखना पोएट ने यहाँ पे अलर्ट किया कि जस्ट नोटिस इस तरह के एनिमल्स की कभी आपको सामना हो जाए घूमते घूमते तो जस्ट नोटिस जरा ध्यान रखना उसी ईट्स यू कहीं वो आपको खा ना दे आपको खा भी सकता है दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न यही एक सरल सा तरीका है सिंपल सा रूल है ये जानने का यू लर्न आप समझ लेना द बंगाल टाइगर टू डिसअप का मतलब होता है टू जज समझ लेना पहचान कर लेना तो आप जल्दी से पहचान लेना कि वो जो जानवर है वो एनिमल है वो क्या है द बंगाल टाइगर So, in this stanza, the poet has mentioned the ways to identify a wild animal and the name of the wild animal is the Bengal tiger. Stanza number 3. If sprawling forth a beast you view, whose height with spots you pepper. In these two lines, the poet has mentioned that if sprawling forth means if you are walking leisurely, कभी आप ऐसी फुर्सत से घूम रहे हो और घूमते घूमते a beast you view A beast means an animal, you view means you see. और घूमते घूमते सैर सपाटा करते हुए आपने एक एनिमल को देख लिया और किस प्रकार के एनिमल को देख लिया
whose height, height means heart, skin, जिसकी skin is pepper means is covered, ढकी हुई है, big spots, धब्बों से, उस animal की जो skin है वो धब्बों से ढकी हुई है, means कि उसकी skin पर spots हैं, धब्बे हैं. As soon as he has leapt on you, as soon as, जैसे ही he has leapt on you, leapt means jump, वो आपकी तरफ पूछ लेगा, जैसे ही वो आपकी तरफ पूछ लेगा, you will know means you will understand, तो आप समझ लेना कि it is a leopard, यह अपने आप में एक तेंदुआ है. Will do no good to rob with pain, do no good means of no value, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा नहीं है, to rob. Is to make a sad noise, or here the meaning of roar is to cry, rona, chillana, with pain, dukh ke mare, dard ke mare. So poet ne is time mein ye mention kiya hai ki yadi is prakar ka koi animal aapke samne aa jaye, jiske skin mein jo hai spots hain aur wo aapki taraf puchhta hai, to ab dukh ke mare ya dard ke mare, rone se ya chillane se koi fayda nahi hai. He won't leap and leap again. Wo to again is dobara ya baar baar, wo to baar baar puchhta hi rahega. In this stanza, the poet has mentioned the ways to identify the wild animal, and the wild animal's name is leopard. Start. Stanza number 4. If when you are walking round your yard, you meet a creature thief. In this line, the poet has mentioned that if sometimes you are walking round your yard, means यदि आप कभी अपने आंगन में घूम रहे हो और घूमते घूमते you meet a creature thief. Creature means an animal. और वहाँ पर आपको इस प्रकार का एनिमल मिल जाता है, ऐसा जानवर मिल जाता है, वो हक्स, वो हक्स मींस कोपोस एंड आर्म्स अराउंड यू, जो आपको गले लगा देता है, वो भी किस तरह से, वेरी वेरी हार्ड मींस वेरी टाइट, बहुत मजबूती से आपको गले लगा देता है, मींस योर, सो आप बी कंफर्ट, सुनिश्चित कर लेना, ये समझ लेना कि इट इज अ बियर, यह अपने आप में एक भालू है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, अभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट है कि ये कौन सा एनिमल है, तो आई गेस मुझे लगता है, आई थिंक मैं समझता हूँ, He'll give you just one more caress. Caress means a gentle loving touch. दोबारा से वो आपको थोड़ा सा प्यार से स्पर्श करेगा. तो अभी भी आपके मन में यदि कोई डाउट है, तो मुझे लगता है अभी भी दोबारा वो एनिमल आपको प्यार से टच करेगा, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि दैट एनिमल इज डियर, वो अपने आप में भालू है. Number 5. Dear friends, in this stanza, the poet has mentioned that how simply even an unknown person can identify or can differentiate between a crocodile and हाइना. इस स्टैंडर्ड में पोइट ने ये मेंशन किया है कि एक अननोन आदमी जिसे एनिमल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल अपरिचित एनिमल्स के बारे में, वो अननोन पर्सन भी कितने सिंपली तरीके से, कितने सिंपल तरीके से क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ऑन मूवीज माइट मॉनिटर्स, टू डिस्टिंग्विश मींस टू आइडेंटिफाई, पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे मींस वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने में A novice might non-plus. Novice means an unknown person. Non-plus means confused. एक जो unknown आदमी है, जिसे animals के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, वो confused हो सकता है जल्दी जानवरों को पहचानने में. फिर भी the crocodile you always may tell from the hyena. लेकिन वो अपरिचित आदमी भी, जिसे animals के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो भी always may tell means to understand, समझना. वो भी आराम से समझ सकता है क्या? कुछ भी मालूम नहीं है, कोई ये कहा कि बहुत सिंपल सा तरीका है कि कितने सिंपल तरीके से एक अननोन आदमी भी एक क्रोकोडाइल और एक हाइना के बीच में अंतर बता सकता है, और वो तरीका ये है, इस तरीके से हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइनास होते हैं वो क्या करते हैं, मैनी स्माइल्स दिखाते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान देखी जा सकती है, बट लेकिन इफ दे वी, लेकिन यदि वो रो रहे हैं, इफ दे आर टियर्स इन देयर आईज, यदि उनकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ लीजिए दे आर क्रोकोडाइल्स, कि वे अपने आप में मगरमच्छ हैं. स्टैंडर्ड नंबर 6, दैट ह्यूज चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. डियर स्पैंड्स, इन दिस स्टैंडर्ड द पोएट हैज मेंशनड द वेज टू आइडेंटिफाई अ वाइल्ड एनिमल नेम्ड चैमेलियन, कि किस प्रकार से हम चैमेलियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ तरीके पोएट ने इस स्टैंजा में समझाए हैं. और लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो चैमेलियन होता है, ये एक लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है. लिजर्ड आप समझते हैं रेप्टाइल, एक रेप्टाइल होता है, हिंदी में छिपकली कहते हैं. तो ये जो चैमेलियन है, ये लिजर्ड नहीं है, बट लिजर्ड टाइप का ही है. चैमेलियन को हिंदी में गिरगिट कहते हैं.
तो जो चैंपियन है वो छिपकली की तरह ही होता है, छोटा सा जीव होता है, he hasn't any ears at all. और आप किस तरह से पहचानेंगे कि ये एक चैंपियन है, तो उस तरीके बताने कोई ने कि he hasn't any ears at all. उसके बिल्कुल भी कान नहीं होते हैं, and not a single wing. और उसके शरीर पर एक सिंगल विंग से एक भी पंख नहीं होता है, ना तो उसके कान होते हैं और नहीं उसके पंख होते हैं, और वो छिपकली जैसे ही होता है लेकिन वो एक्चुअली गिरगिट होता है अपने आप में. deer is nothing on the tree. और यदि इस तरह का कोई एनिमल पेड़ पर बैठा हुआ है, आपने पेड़ पर इस तरह का कोई एनिमल देखा जो कि छिपकली जैसा लग रहा है लेकिन वो छिपकली नहीं है, उसके कान भी नहीं है और उसके शरीर पर पंख भी नहीं है, तो आप समझ लेना this the chameleon you see, कि पेड़ पर जो बैठा हुआ है वो एक्चुअली में गिरगिट चैमिलियन है.